सैमसंग गैलेक्सी S10 2019 में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है और देखा जाए तो ये अभी तक का सबसे बड़ा अपग्रेड होगा सैमसंग गैलेक्सी S8 के बाद, यानी कि S8 के बाद S9 में इतने बड़े अपग्रेड देखने को नहीं मिले। लेकिन जो S सीरीज की जो 10th एनिवर्सरी होने वाली है ना, उस पे आपको सैमसंग गैलेक्सी S10 में बहुत ही बड़े अपग्रेड देखने को मिलने वाले हैं। और बात करें तो उसकी ऑलरेडी एक फोटो तो लीक हो चुकी है ऑनलाइन, जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S10 में आखिर आने क्या वाला है। तो पहले सैमसंग गैलेक्सी S10 के तीन मॉडल आएंगे, जैसे एक नॉर्मल सैमसंग गैलेक्सी S10 होगा जो कि स्टैंडर्ड सैमसंग फ्लैगशिप होगा, गैलेक्सी S10 प्लस होगा जिसमें बड़ी स्क्रीन होगी और शायद ज्यादा अच्छा कैमरा भी होगा, और एक होगा गैलेक्सी S10 लाइट, ये थोड़ा कम पावरफुल होगा और एक सस्ता वर्जन होगा। और इसके अलावा एक चौथा गैलेक्सी S सीरीज में भी फोन आने वाला है, यानी कि स्पेशल S10 होगा जिसके अंदर आपको स्पेशल 5G वर्जन होगा, यानी कि S10 का भी एक अपग्रेडेड मॉडल भी आने वाला है। लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी देर से बात करते हैं। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 के सारे र्यूमर्स वगैरह के बारे में। तो इन सबको मिला के हमें ये पता चल गया कि सारे बड़ी स्क्रीन के फोन होने वाले, और ये पहली बार ऐसा हो कि आपको स्क्रीन होल, पिन होल या फिर पंच होल डिस्प्ले, या फिर जैसे सैमसंग इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कह रही है ना, वो देखने को मिलेगा, क्योंकि सैमसंग भी अब बेजललेस फोन बनाने वाली है और उसने नॉच को छोड़ के होल वाले डिस्प्ले का सारा पकड़ा। और बात करें कि इनमें डिस्प्ले का साइज क्या होगा, तो S10 लाइट में 5.8 इंच का डिस्प्ले, S10 में 6.1 इंच का, S10 प्लस में 6.4 इंच का डिस्प्ले। और एक बात बताओ, इन तीनों ही फोन के अंदर आपको क्वाड HD प्लस स्क्रीन देखने को मिलेगी, यानी कि 1440x3040 पिक्सल की रेजोल्यूशन की स्क्रीन, और एक एमोलेड डिस्प्ले होगा और इसका एस्पेक्ट रेशो 19:9 होगा। और फोन के कलर्स की बात करें ना, तो ये सिल्वर और ब्लैक के अलावा हो सकता है आपको ग्रीन, ब्लू और पिंक कलर में भी देखने को मिल सकता है। और एक राज की बात बताऊं आपको, इन सैमसंग के फोन में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक भी बिल्कुल देखने को मिलने वाला है, तो ये काफी कमाल की बात होगी। और जो सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट होगा ना, उसके अंदर आपको फ्लैट इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी के जो तीनों सैमसंग गैलेक्सी S10 फोन होंगे ना, उनके अंदर आपको कर्व्ड OLED स्क्रीन देखने को मिलेगी। और बात करें सैमसंग गैलेक्सी S10 के 5G वर्जन की, तो वो सबसे बड़ा फोन होगा जिसके अंदर आपको 6.66 इंच की स्क्रीन देखने को मिल सकती है। ऊपर से इन फोन्स के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है, जो कि Qualcomm की अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट जो सबसे सस्ता फोन होगा S10 की सीरीज में, तो हो सकता है उसमें आपको ये चीज देखने को ना मिले। और इन तीनों ही फोन्स के अंदर आपको 3D फेस स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, लेकिन जो आयरिस स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी आपको सैमसंग गैलेक्सी S8 के जमाने से देखने को मिलती आ रही थी ना, तो शायद वो अब आपको देखने को ना मिले। इसके साथ ही प्रोसेसर की बात करें, तो इंडिया में जो फोन आएंगे ना, वो Exynos के 9820 चिप्स के ऊपर चलेंगे, जो कि 7nm की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन साउथ कोरिया और USA के अंदर आपको Snapdragon 855 वाला प्रोसेसर ही देखने को मिलेगा। और रैम की बात करें, तो आपको शायद 6GB रैम मिनिमम देखने को मिल सकती है, और ये 8GB और 10GB तक भी जा सकता है। और जो स्पेशल 5G वर्जन होगा ना, उसके अंदर आपको 12GB रैम देखने को मिलने वाली है। ऊपर से स्टोरेज की बात करें, तो मिनिमम स्टोरेज 128GB होने वाली है। इसके अलावा जो स्पेशल वर्जन का जो मैक्सिमम स्टोरेज वर्जन हो सकता है ना, वो हो सकता है 1TB। तो फोन के अंदर आपको 1TB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 512GB का जो मेमोरी कार्ड होगा ना, वो भी ये फोन सपोर्ट करने वाला है। और इंटरनल स्टोरेज के बारे में एक बात बताऊं, आपको इसमें UFS 3.0 स्टोरेज देखने को मिल सकती है, जो करंट जो UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलती है ना S9 में, ये उससे 5 times ज्यादा फास्ट है, तो आपका फोन जरूर से ज्यादा फास्ट होने वाला है। और अगर बात करें स्पेशल 5G वर्जन में क्या स्पेशल रहेगा, तो स्पेशली उसमें तो 5G तो आने वाला है, लेकिन वो ही एक ऐसा वर्जन होगा जिसके अंदर आपको Snapdragon 855 देखने को मिलेगा, प्लस Qualcomm का X50 मॉडेम, यानी कि Snapdragon 855 और Qualcomm का X50 मॉडेम होगा, जो कि स्पेशली लॉन्च किया जाएगा US और साउथ कोरिया जैसे मार्केट्स के लिए, और आगे चल के दूसरे मार्केट्स में भी आ सकता है। लेकिन ये Snapdragon वाला फोन है, और Snapdragon के साथ Samsung शायद इसे इंडिया में लेकर ना आए, तो इसकी बहुत ही ज्यादा कम उम्मीद है कि आपको 5G फोन Samsung की तरफ से इंडिया में ये देखने को मिल जाए। यानी कि S10 का जो 5G वर्जन आने वाला है, वो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सीधी बात है कि इंडिया में अभी 5G का नेटवर्क ही नहीं है। ऊपर से इंडिया में आपको सिर्फ Exynos के प्रोसेसर वाले ही फोन्स देखने को मिलेंगे सैमसंग की तरफ से। अब बात करते हैं इसके कैमरास के ऊपर, तो सीधी बात मैं बताना चाहता हूं, S10 लाइट में आपको डुअल कैमरास देखने को मिलेंगे, S10 में ट्रिपल कैमरास, और जो S10 प्लस और 5G वर्जन है ना, उसमें आपको क्वाड कैमरा, और क्वाड कैमरा का इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही होने वाला है जैसा सैमसंग गैलेक्सी A9 में है। और कैमरा का जो रेजोल्यूशन है, वो कुछ 12MP 13 और 16 MP, यानी कि जो प्राइमरी सेंसर होगा वो 12MP का होगा। उसके बाद एक वाइड एंगल एक टेलीफोटो लेंस होगा, जो कि शायद 13MP 16MP के हो सकते हैं, और शायद 5MP का एक डेप्थ सेंसर भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको कैमरा का हार्डवेयर देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आपको वेरिएबल अपर्चर की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलने वाली है, और हो सकता है ये टेक्नोलॉजी आपको तीनों ही फोन्स में देखने को मिले। और अगर सेल्फी कैमरा की बात करें, तो S10 लाइट और S10 में सिंगल सेल्फी कैमरा होगा, लेकिन S10 प्लस और 5G वर्जन में आपको डुअल सेल्फी कैमरास देखने को मिलने वाले, तो ये भी एक बात होने वाली है। ऊपर से सॉफ्टवेयर
ईयर की बात करें तो ये एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर चलेगा, लेकिन ये होगा सैमसंग के वन यूआई, जो सैमसंग का जो सबसे लेटेस्ट यूआई आया ना उसके ऊपर चलेगा। ऊपर से इन सारे फोन के अंदर आपको एआर इमोजी का थोड़ा ज्यादा अच्छा सपोर्ट यानी कि इम्प्रूव्ड एआर इमोजीज देखने को मिलेंगी, और उम्मीद ऐसी की जा रही कि इसका कोई स्पेशल ग्रेडियंट कलर भी सैमसंग आगे चल के लॉन्च कर सकती है, तो वो भी देखते हैं। और 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे जो प्रोसेसर होगा ना उसमें बैटरी बैकअप आपको अच्छा देखने को मिलेगा, तो बैटरी लाइफ इन फोन आप काफी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बैटरी कैपेसिटीज की बात करें ना तो इन सभी फोन्स में लगभग 3000 से लेकर 4000 एमएच तक की बैटरी यानी कि 3000 मिनिमम और 4000 एमएच मैक्सिमम बैटरी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब ये फोन रिलीज होंगे ना तभी इनके अंदर जो एग्जैक्ट बैटरी की कैपेसिटी है ना वो पता चल पाएगी, और तभी पता चल पाएगा कि जो नया जो बेजल लेस का जो ट्रेंड आ रहा है उसमें सैमसंग के कैसे फोन है, और ये जो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है ना वो रियलिटी में कैसा है। बाकी लॉन्च की बात करें तो ये फरवरी में लॉन्च होने वाले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, और ये इंडिया में मार्च के महीने में आने वाले हैं, और इन फोन की प्राइसिंग शायद 50,000 से चालू हो जाएगी और 60-70-80,000 तक भी जा सकती है। लेकिन तब भी देखने वाली बात यह है कि सैमसंग अपने इन फोन्स को इंडिया में किस प्राइस पर लॉन्च करती है, और क्या 5G S10 कभी इंडिया में आएगा या नहीं, तो ये भी देखने वाली बात है। बाकी आप लोगों को कैसे लगे S10 सीरीज के ये फोन्स, तो ये बात नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।